अभी मॉर्निंग के 5 ही बजे हैं यहाँ पे, शायद बेंगलोर में। ये तोमलूर स्पेस है, तोमलूर जगह है। यहाँ खाने के लिए भी है, सुबह 5 बजे लोग आए हुए हैं। अच्छा है, सोचा नहीं था कि खाने के लिए कुछ मिलेगा यहाँ। लोग मुझे लगता है मॉर्निंग में ज़्यादा आते हैं इन कंपेयर टू। अंडा राइस कुछ मिल रहा है, कोई नहीं है। शायद मॉर्निंग में जल्दी जागते हैं यहाँ पे लोग। यहाँ का जो साउथ इंडियन लोग हैं उनका टाइमिंग है मॉर्निंग में सुबह जागना, और 9 or something 11 बजे 10 बजे सो जाते हैं। सोना ही है। सामने जो जा रहा है बंदा वॉकिंग कर रहा है, मैं भी आया। ऐसा पुणे जैसा तो नहीं है, और थोड़ा रस है, और यहाँ पे थोड़ा खुला नहीं है कि इन कंपेयर टू पुणे। आप ये देख पाओगे कि कॉलोनी है, सोसाइटी है, सोसाइटी ज़्यादा है। यहाँ पे स्टैंड अलोन बिल्डिंग ही मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। ये ट्रक है, सामने वाला दौड़ के जाता जा रहा है, अब भी दौड़ रहा है वो। ये फैट का शोरूम है, फैट एंड जी। देखते हैं, यहाँ पे काफ़ी जो है ईएस कलेक्शन है। यहाँ पे काफ़ी अच्छी फोर व्हीलर मिल जाती है यहाँ पर लोगों को। पता नहीं कितनी महंगी है तो मुझे पता नहीं, और अच्छी बात यह है कि आगे जाके वो यहाँ पे तो नॉर्मल फोर व्हीलर है, आगे जाके एक शोरूम है, शोरूम नहीं है, सेकंड हैंड है। वहाँ पे आपको फरारी, मर्सिडीज और कुछ मर्सिडीज, BMW, रॉयल्स रोज, सारी सेकंड हैंड गाड़ी मिलेंगी। वो शायद वो नेक्स्ट है, यस के आगे ही है। देखते हैं ये क्या नाम है, अभी होगा यहीं पे, मैं भूल गई। यस से है, यहाँ पे सारी गाड़ियाँ रखी हुई। मॉर्निंग में कोई नहीं है, मैं ही हूँ अकेला। ये कंपनी है एनकोर सामने, ये शायद पता नहीं आगे है वो गाड़ी का शोरूम। ये लाइटनिंग है, कौन सी, अर्बन लैडर, शायद अर्बन लैडर फर्नीचर प्रोवाइड करती है। अच्छे से सजाया है, डेकोरेट किया है, लाइट स्क्वायर करते हैं एनकोर। और अच्छा हाँ वो है, अभी आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर फरारी, BMW और रॉयल सोस, रेंज रोवर, सारी गाड़ियाँ हैं यहाँ पे। अब भी मैं उस तरफ जा सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक अभी मॉर्निंग है तो कुछ भी नहीं है, नहीं तो मैं ऐसे क्रॉस भी नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा मतलब वो है। तो मैं दिखाता हूँ, मॉर्निंग का टाइम है। ये करके है गाड़ी का नाम है, ये रॉन्ग साइड से जा रहा है डीप वाटर करके। और ये देख लो, आपको सारी गाड़ी मिलेगी यहाँ पे। शायद BMW ये खड़ी है, और ये भी BMW है, M सीरीज की है शायद वो। ये भी BMW है, ये भी BMW है, और सामने रेंज रोवर है, और ये मर्सिडीज है, और इसके अलावा ये आपकी फरारी है।
काफी मस्त गाड़ी है, और उसके पीछे भी बहुत सारी गाड़ी खड़ी है, वो भी बहुत महंगी महंगी है, पता नहीं। तो अब जिसको भी चाहिए होगा ना, तो सेकंड हैंड ले सकता है, खरीद सकता है, काफ़ी है। BMW, फरारी और रॉयल्स रॉयस भी शायद थी, शायद कल थी, शायद बिक गई हो, मुझे पता नहीं, पर थी ज़रूर। यहाँ पे सेकंड हैंड ही है, कोई न्यू ब्रांड नहीं है, सारी गाड़ियाँ मिलती हैं। इसके अलावा ये डेल आ गई है कंपनी, ये ओवर ब्रिज है। इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गई है, रोड लाइट बंद है शायद या नहीं है, ये मुझे पता नहीं। और सामने आपका है डेल कंपनी है, ये शोरूम है डेल का, मुझे पता नहीं। इसके आगे एपेक्सॉन है, थोड़ा दूर है। SBM है, SBM कंपनी, नौवता। और आगे है डेल, काफी कंपनियां बेंगलोर में ना, हर रास्ते रास्ते में कंपनी है, समझो कि आदमी को रहने की जगह नहीं है, कंपनी को जगह है, ऐसा ही है। ये कुछ सोसाइटी नहीं है, ये घर ही बने हुए हैं बस, और कुछ नहीं मिलने वाला आपको। और डेल वो है सामने, बिल्डिंग डेल ही है। मैं आगे जाके देखूंगा कि क्या है क्या नहीं। आगे शायद IT पार्क है, अन अकेडमी भी है यहाँ पे, और अपग्रेड भी है। अपग्रेड यार, इनके कुछ चोचले ही है अजीब से, कभी बिलीव नहीं करना चाहिए अन अकेडमी पर और अपग्रेड पर, ये सब लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और खुद ही डूब रहे हैं। खूब इन लोगों ने बहुत पैसा इन्वेस्ट किया है, रनिंग करते हुए जा रहे हैं लोग बाग। मुझे लगता है ये हरियाणवी लग रहा है बंदा, बोल रहा है हरियाणवी में, बेंगलोर में भी हरियाणवी है, वैसे सब जगह ही है हरियाणवी। और डेल आ गई है, ये आपका है, पता नहीं है डेल, हाँ डेल कंपनी ही है। वहाँ से पैदल आ रहा हूँ, ये आपकी है, कौन सा है पता नहीं क्या लिखा है, स्टेट बैंक ऑफ बेंगलोर। अन अकेडमी सामने है, डूब गई है कंपनी। कोई मतलब नहीं है काम करने का, अन अकेडमी रिलेवल बना दिया, फलाना ढिमकाना, ये देख रहे हो। यहाँ पर हर घर में BMW मिलेगी, रॉयल्स मिलेगी, यहाँ पे बहुत अमीर लोग हैं, यहीं पे रखी हुई है BMW। साई फाइव लैम अकेडमी ऑल स्क्रिप्ट, और ये सब इंग्लिशियस भी है यहीं पे। ये कोई IT पार्क है, ये डेल है सामने, डेल आपका सामने है, और इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप है शायद, सेल का है। डेल स्टोर है वो, ये IT पार्क है, कुछ IT पार्क नहीं है, बिल्डिंग है स्टैंड अलोन टाइप की, और उसी में
ये सब खोले रहते हैं कंपनी, यहाँ पे ऐसे ही है होंगे, मुझे पता नहीं है कि कितने बड़े आईटी पार्क यहाँ के मान्यता है। BCTI भी देखा था, ये आपका है अन अकेडमी लीशियस, और वोडाफोन भी है, और इंडी स्क्वायर भी है, लैम है, लैम रिसर्च, ये बिल्डिंग में ही है, ऐसा अच्छे सा कुछ आईटी पार्क नहीं है। ये जिंजर होटल है, मेरा फ्रेंड नहीं रुका था, फ्रेंड नहीं था जो मेरा कलीग है जिंजर होटल में, मेरा होटल पीछे था। ये अपग्रेड आ गई है, अपग्रेड तो स्टैंड अलोन बिल्डिंग में है, यहाँ पे रनिंग करने के लिए भी स्पेस नहीं है, समझो स्पेस तो लोग खा गए हैं ऐसे लगता है, ज़मीन है ही नहीं पार्किंग के लिए, दौड़ने के लिए बंदा कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए। ये है सारी कंपनी जितनी भी हैं, साई फाई, अन अकेडमी, ऑल स्क्रिप्ट, एक तो पता नहीं किस चीज़ में लिखा है, ये अपग्रेड है। यहाँ पे एंट्री है, स्टैंड अलोन बिल्डिंग टाइप की है, ये है लेट्स गो ब्रो। ये कुछ एम्बेसी करके है, थैंक यू, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।